हाय, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम्स नेस्ट। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी जो आप 1 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हो। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और ऑलमोस्ट सभी बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो पहले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में कुछ जरूरी बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो हम इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो ये है 2 चम्मच सूजी जो हमने इसी स्पून से मेजर की है, और ये है 1 कटोरी गाय का दूध, और ये है 1 चम्मच चीनी जो हमने इसी स्पून से मेज़र की है, और यह है 1 छोटा चम्मच ड्राई फ्रूट पाउडर, और इसके लिए साथ में हमें चाहिए देसी घी सूजी भुनने के लिए। तो यहाँ हमने पैन को ऑन कर दिया है और इसको हम यहाँ लो फ्लेम पे ही रखेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। तो घी जैसे हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा उसमें हम यहाँ डालेंगे सूजी। इसको हमने सूजी को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है, जब सूजी में अच्छी सी फ्रेग्रेंस आने लगती है तब तक, और इसे हमें लो फ्लेम पे ही रखना है और लगातार चलाते रहना है क्योंकि सूजी बहुत जल्दी के जलने लगती है। अभी सूजी जो है हमारी, हमें 2 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए और इसमें बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस भी आने लगी है। आप चाहें तो सूजी को पहले ही ड्राई रोस्ट करके एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं, और जब खीर बनानी हो तो आप सीधा घी डाल के उसमें दूध डाल सकते हैं। तो अभी गोल्डन ब्राउन होने लग गई है सूजी, अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो इसमें आपको लगातार चलाते रहना है कि इसमें कोई भी लम्स ना आ जाए। अब हम इसमें एक बॉईल आने देंगे, और जब एक बॉईल आ जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे अपनी चीनी। तो यहाँ 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और इसमें बॉईल आने लगा है, अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। ये हमने चीनी को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है इसमें, अब हम इसमें फिर से एक बॉईल और आने देंगे। ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ ये है 1 ईयर प्लस के बच्चों के लिए, यानी अगर आपका बच्चा जो है वो 1 साल से कम है, यानी कि 6 मंथ्स के बाद अगर आप अपने बेबी को देना चाह रहे हो तो उसमें आपको ये काउ मिल्क यूज नहीं करना है। तो जिस स्टेज पे हमने यहाँ दूध डाला है उस स्टेज पे आपको पानी डालना है, और चीनी के बजाय आपको गुड़ यूज करना है। और उसके बाद जब वो रेडी हो जाएगी खीर, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी यानी कि जब खाने लायक हो जाएगी, तब आपको उसमें ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मुला मिल्क ऐड करना है। क्योंकि 1 साल से पहले हम बच्चों को गाय का दूध या चीनी नमक जो है वो हम नहीं देते हैं, तो इसलिए आपको पानी यूज़ करना है और गुड़ यूज़ करना है। इसे यहाँ में लगातार चलाते हुए इसलिए पकाना पड़ता है कि सूजी में कोई लम्स ना आ जाए। अभी जो खीर है हमारी वो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई है। ये आपको थोड़ी पतली ही रखनी है क्योंकि जैसे जैसे सूजी जो है वो ठंडी होती है तो वो थिक होती जाती है, वो गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए आप इसे थोड़ा पतला ही रखें कि जब तक वो खाने लायक होगी, नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगी तब तक वो थोड़ी अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। इसे 2 मिनट हो गए पकते हुए, देखिए अभी थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, बस अब अभी से हम यहीं पर ही बंद कर देंगे क्योंकि जब तक ये ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब मैंने खीर को यहाँ एक बॉल में ट्रांसफर कर लिया है, अब देखिए इतनी पतली है ये, और जब तक ये थोड़ी ठंडी होगी, अब ये गर्म है तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच ड्राई फ्रूट पाउडर। अगर आपके बच्चों को ऐसे ही ड्राई फ्रूट खाना पसंद है तो आप इसमें कूट के भी डाल सकते हो। तो ये रेडी है हमारी सूजी की खीर, ये बहुत ही मतलब जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो देखा आप सबने कितनी जल्दी बनके रेडी हो जाती है, और बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, कुछ ज़्यादा काम नहीं है इसको बनाने के लिए। और ये 1 साल से बड़े बच्चों के लिए है, 1 साल से छोटे बच्चों के लिए यानी कि 6 मंथ्स के बाद अगर आप अपने बच्चे को देना चाहते हो तो उसमें आपको दूध की जगह पे
पानी का यूज करना है और चीनी की जगह पे गुड़ का यूज करना है। अगर आप गुड़ भी यूज नहीं करना चाहते तो वो भी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि एक साल से पहले वैसे भी हम बच्चों को मीठा या वो नमक नहीं देते हैं, तो इसलिए बच्चों को इतना नहीं फर्क पड़ेगा कि उसमें मीठा है या नहीं है। आप उसको सिंपल पानी में बना करके और उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्म में मिल्क ऐड करके दे सकते हो। जो दूध है, ब्रेस्ट मिल्क है या फॉर्मुला है, वो थोड़ा वैसे ही मीठापन होता है उसमें, तो आप बच्चे को वैसे भी दे सकते हो। और जो सूजी है वो बहुत लाइट होती है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है बच्चों को। जैसे अगर कभी बच्चा अगर और कुछ नहीं खा रहा है या उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा फीवर है या उसका पेट थोड़ा स्टमक थोड़ा अपसेट हो रहा है, तब आप ये उसको बना के दे सकते हो। और साथ ही जो सूजी है उसमें आयरन और पोटेशियम भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, उसके साथ ही डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। तो 6 मंथ्स के बाद आप बच्चों को जो सूजी है वो आराम से दे सकते हो। सो होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें, और कैसी लगी आपको ये रेसिपी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे रेड बटन पर क्लिक कर सकते हैं और उसके साथ जो बेल आइकन दिया है उसे जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।